तो दोस्तों आज है 2 अगस्त 2022। मार्केट के अंदर आज बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिला, जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया 17,345 पॉइंट पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको रेकमेंड करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर के ऊपर, जो कि कल जब बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नज़र होना चाहिए। ये सारे शेयर के अंदर कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा, या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी या तो बहुत ज़्यादा गिरावट। अब चलिए फटाफट हम देख लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए कि कौन कौन सी कंपनी का शेयर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ नज़र रखने के लिए कल। तो सबसे पहला शेयर है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी ग्रुप का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। आज की डेट पे 0.5% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। फिलहाल आज कंपनी का Q1 का रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट कैसा है दोस्तों, आप कुछ तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अदानी ग्रीन का Q1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली तीनों क्वार्टर का रिजल्ट है। सबसे पहले ये Q1 का, ये लास्ट क्वार्टर का, और ये लास्ट ईयर मतलब June 2021 का। ये तीनों क्वार्टर को एक साथ हम कंपेयर करेंगे फटाफट। तो देखिए टोटल इनकम तो काफ़ी अच्छा जंप आया है, जैसे कि इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम हुआ है 1,701 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट क्वार्टर की बात करें यानी Q4 में अदानी ग्रीन का टोटल इनकम हुआ था 1,587 करोड़ रुपए, यानी Q1 पे काफ़ी अच्छा जंप आया। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर पे June 2021 पे अदानी ग्रीन का टोटल इनकम हुआ था 1,079 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा हमें जम देखने को मिला। अब बात यह है कि इस बार एक्सपेंसेस जो है कंपनी का, यानी खर्चा जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुका। आप देख सकते हो स्पेशली ईयर ऑन ईयर पे कहां से कहां बढ़ चुका। तो जिस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी श्रिंक हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो सारे टैक्स वगैरह बनने के बाद जो बचता है उसे हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड या तो नेट प्रॉफिट कहा जाता है, जो कि इस क्वार्टर में यानी Q1 फाइनेंशियल 23 में अदानी ग्रीन का नेट प्रॉफिट हुआ है 214 करोड़ रुपए, जो कि Q1 पे तो काफ़ी अच्छा जम देखने को मिला। जो कि लास्ट क्वार्टर में आया था अदानी ग्रीन का नेट प्रॉफिट 121 करोड़ रुपए, जिस वजह से हमने देखा था शेयर के अंदर गिरावट भी हुआ था उसके बाद। तो Q1 पे काफ़ी अच्छा जम देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जहाँ पे टोटल इनकम के अंदर ऑलमोस्ट 70% के आसपास हमें जम देखने को मिला, बट नेट प्रॉफिट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला लगभग यहाँ पे 5 करोड़ के आसपास। आप देखिए लास्ट ईयर पे अदानी ग्रीन का जो नेट प्रॉफिट आया था 219 करोड़ रुपए, इस बार कम होके हो चुका है 214 करोड़ रुपए के आसपास। तो दोस्तों रिजल्ट कैसा आपको लगा यहाँ पे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इसका इम्पैक्ट कल अदानी ग्रीन के शेयर के अंदर कैसे देखने को मिलेगा ये भी जरूर कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। ग्रीन के बाद नेक्स्ट जो शेयर है हमारी लिस्ट में वोल्टास। तो बेसिकली वोल्टास आज की डेट पे एक टाटा ग्रुप का कंपनी है, क्योंकि टाटा ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया था। तो वोल्टास का भी आज Q1 का रिजल्ट आउट हुआ है। रिजल्ट में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिला, तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट बाय पार्ट। तो देखिए यहाँ पे सारे नंबर इन करोड़ के फिगर के ऊपर ही लिखा हुआ है। तो बेसिकली टोटल इनकम तो नो डाउट काफ़ी अच्छा जम देखने को मिला। यहाँ पे जो लेटर्स हैं अब देखिए नंबर्स जो है थोड़ा सा फेड हो चुका है। जो टोटल इनकम कंपनी का हुआ है 2,794 करोड़ रुपये, जो कि Q1 बेसिस पे काफ़ी अच्छा जंप आया है। उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही शानदार हमें जंप देखने को मिला टोटल इनकम के सेगमेंट पे। अब देखिए ग्लोबल मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जिस वजह से जो कंपनी का टोटल जो एक्सपेंसेस नंबर है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जिस वजह से जो नेट प्रॉफिट है अल्टीमेटली वो काफ़ी श्रिंक हो चुका है। देखिए इतना अच्छा जंप आने के बाद भी कंपनी का टोटल इनकम, उसके बावजूद भी देखिए नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है 109 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ, और जो कि लास्ट क्वार्टर में यही नंबर था 182 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर की बात करें June 2021 पे यही नंबर था 122 करोड़ रुपए के ऊपर। यानी आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर पे भी गिरावट, Q1 पे भी गिरावट। कंपनी दोस्तों बहुत शानदार कंपनी है, बट कल शेयर के अंदर गिरावट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। आपको क्या लगता है कि वोल्टास का शेयर कल गिरावट होगा या फिर से रिकवरी देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी हमने देखा अच्छी रिजल्ट होने के बाद भी शेयर बुरी तरह से पिट गया, कभी कभी ऐसा भी हुआ है खराब रिजल्ट प्रेजेंट करने के बाद भी शेयर एकदम चल चुका। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद हमारे लिस्ट में नेक्स्ट शेयर है केमिकल सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी दीपक नाइट्राइट, जिसका आज Q1 रिजल्ट आउट होने वाला था, फिलहाल अभी तक नहीं हुआ। तो जब भी Q1 का रिजल्ट आउट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो दीपक नाइट्राइट का जो रिजल्ट आउट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली रात को 8:30 बजे के आसपास, तो जब भी आउट होगा मैं तुरंत आपको अपडेट दे दूंगा। तो कल दीपक नाइट्राइट के ऊपर भी दोस्तों आपका नज़र जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज रिजल्ट बहुत वाइटल होने जा रहा है। क्योंकि लास्ट कुछ टाइम पे हमने देखा था जो कोई भी यहाँ पे केमिकल सेक्टर का नंबर आउट हुआ इस बार काफ़ी अच्छा आया था। तो दीपक नाइट्राइट के ऊपर नज़र रहेगा, स्पेशली इस वजह से भी है कि 3 महीने पहले मतलब Q1 के बीच में हमने देखा था
जो दीपक नाइट्राइट का गुजरात प्लांट है वहाँ पे आग लग चुका था, मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन पूरा बंद था लास्ट 2 महीने तक। उसके बाद ही धीरे धीरे रिज्यूम करना शुरू किया। तो जिस वजह से दीपक नाइट्राइट का रिजल्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा, जब भी रिजल्ट आउट होगा तुरंत मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी लिस्ट में अदानी पावर। कल तो दोस्तों अदानी ग्रुप का पूरा जलवा चलेगा मार्केट के अंदर, अदानी आज तो अदानी ग्रीन हो गया, कल अदानी पावर का क्वार्टर वन का रिजल्ट आउट होगा। ध्यान देना अदानी पावर का जो क्वार्टर वन पे, ठीक है, मतलब अप्रैल से लेकर जून के महीने तक बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो जिस वजह से इस बार अदानी पावर का शेयर भी हमने लास्ट 1 महीने पे देखा, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लगभग 25% की रिकवरी कर चुका है 1 महीने के भीतर भीतर। और उसी के साथ साथ जो अपना ऑल टाइम हाई है करीबन 344 रुपये, कहीं ना कहीं उस लेवल के आसपास पहुँचता हुआ नज़र आया, जो कि लगभग हमने देखा था यहाँ पे मई की एंड पे या जून की फर्स्ट हाफ में हमने देखा था, इसी लेवल पे चल रहा था। उसके बाद ही शेयर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, शेयर एकदम से 250 रुपये तक गिर गया। तो या बेसिकली अदानी पावर की बात करें तो ये एक प्रॉब्लम है कि जब गिरता है तो शेयर काफ़ी नीचे तक पहुँच जाता है, तो जिस वजह से बहुत ही रिस्की कंपनी है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना ना करना वो आपके ऊपर है, बट यहाँ पर आपका नज़र जरूर होना चाहिए कल के लिए, स्पेशली शेयर होल्डर का तो डेफिनेटली नज़र होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अदानी ग्रुप अदानी विल्मर, जो कि इसी साल मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ, उसके बाद हमने देखा काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा के दिया। इवन लास्ट 1 महीने पे शेयर काफ़ी अच्छा चल चुका है, ऑलमोस्ट 22% के आसपास रिटर्न दे चुका है लास्ट 1 महीने के भीतर भीतर। कल अदानी विल्मर का भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आउट होगा। तो ये सारी कंपनी का दोस्तों रिजल्ट, जो कि आज की तरह मैं जैसे कि हर रोज़ आपको अपडेट दे देता हूँ, ठीक वैसे ही दोस्तों कल भी आपको मिल जाएगा। चैनल को सिंपल दोस्तों आपको सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अदानी विल्मर के ऊपर भी दोस्तों कल हम सभी का नज़र होना चाहिए कल के लिए। नेक्स्ट शेयर पर चलेंगे, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि देखिए आपके पास अगर ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप चाहे तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ल्यूपिन लिमिटेड फार्मा सेक्टर का एक बहुत शानदार कंपनी है, बट फार्मा सेक्टर अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट 6 महीने पे कितना ज़्यादा गिरावट हो चुका है। बेसिकली ये सारे कंपनीज चला था लॉकडाउन के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छा मूव किया था, चाहे छोटे कंपनी हो चाहे बड़े कंपनी हो। फिलहाल ये सारे लीडिंग कंपनी जो कि फार्मा सेक्टर का, तो इसके ऊपर भी हम सभी का नज़र होना चाहिए कल के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे इसमें पारस डिफेंस। इस बार डिफेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप हेल को देख लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इस टाइप का जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था इंडिया डिफेंस के मामले में, जो डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में। आज की डेट पे आत्मनिर्भर भारत के थ्रू ये सारे कंपनीज़ को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ना केवल इंडियन डिफेंस के से, इंडिया के बाहर से भी हमने देखा काफ़ी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो इसके ऊपर भी दोस्तों स्पेशल नज़र रहेगा, कंपनी छोटे कंपनी हो सकता है बट काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो सकता है कल के लिए। लास्ट एंड फाइनल कंपनी दोस्तों हमारी लिस्ट में एक बहुत शानदार कंपनी पीआई इंडस्ट्री। इसका अगर आप देखोगे रिटर्न्स का प्रोफाइल दोस्तों आप चौक जाओगे, इतना खतरनाक रिटर्न दिया आप देख सकते हो, 2 लाख% के ऊपर रिटर्न दिया जब से लिस्ट हुआ तब से लेके आज तक बीएससी के ऊपर। तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो इसके ऊपर भी नज़र होना चाहिए कल के लिए। लास्ट 1 महीने पर शेयर भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर रिकवरी कर चुका है, जो कि 3000 के ऊपर अभी काफ़ी स्टेबल भी नज़र आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का शेयर जो कि कल नज़र होना चाहिए आपका। उसके साथ साथ दीपक नाइट्राइट के ऊपर दोस्तों आज ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जब भी कंपनी का रिजल्ट आउट होगा तुरंत मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो के भी वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लेट के बाय बाय, जय हिंद। तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है, तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये 4 चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा।